13th March 2019, अभी इसी वीक की बात है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था और उसमें एक न्यूज़ आइटम थी। न्यूज़ आइटम में ये लिखा था कि मसल टॉनिक टर्न्स पॉइजन कॉकटेल फॉर किडनीज। ये इस न्यूज़ आइटम में एक फिटनेस एंथुजियास्ट जो कि हॉस्पिटल में लैंड कर गए थे और हाई ब्लड प्रेशर था, काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर था, हाई क्रिएटिनिन लेवल्स थे। जिन लोगों को नहीं पता, हाई क्रिएटिनिन लेवल्स बेसिकली किडनी डैमेज के इंडिकेशन होते हैं। और इन सब का जो कल्प्रिट बनाया जा रहा था वो एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट था, जिनको ये जो हमारे पेशेंट हैं इस केस में, वो पिछले 4 साल से यूज़ कर रहे थे। अब इस न्यूज़ आइटम को देख के बहुत सारे लोग जो कि सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स को सेम समझते हैं, उन लोगों ने बहुत जल्दी कॉन्क्लूजन्स पे जंप किया होगा और कहा, और यू नो, अगर आप उनमें से एक हैं जो कि सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपके रिश्तेदारों ने या पेरेंट्स ने ये टॉन्ट जरूर मारा होगा कि देखा, मैंने कहा था ना पाउडर खाने नहीं चाहिए, ये देख पाउडर खा के क्या हो गया। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने ये वीडियो बनाना क्यों सोचा, क्योंकि जनरल पब्लिक को थोड़ा पता होना चाहिए कि हो क्या आ रहा है सप्लीमेंट्स में, और जो लोग सप्लीमेंट्स रेगुलरली यूज़ करते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स सेफली कैसे यूज़ किए जाते हैं, हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप गलत तरीके से यूज़ करो। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप बिल्कुल सुनिए, क्योंकि आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो चांसेस आपके हॉस्पिटल जाने के बढ़ जाएंगे। आई होप ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड कि हम जो प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले ज़रूर यूज़ करें। अब इस केस की बात करते हैं। इसमें जैसे हाई ब्लड प्रेशर था और किडनी लेवल्स भी हाई थे, ये कैसे हो सकता है? गाइस, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है किडनी फंक्शन को रोकने का या किडनी फंक्शन को डिसरप्ट करने का, वो हाई ब्लड प्रेशर है। तो क्या एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ये कर सकता है कि क्या ये ब्लड प्रेशर रेज कर सकता है इतना तक किडनी डैमेज हो? हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। रीज़न नंबर वन, जो यहाँ पे इसके सब्जेक्ट है, हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता। 2, हमें ये नहीं पता कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं कि नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर पता है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ये पिछले 4 साल से ही सप्लीमेंट ले रहे थे। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हो, एक बड़ा सिंपल टिप बताता हूँ मैं जो आपको हेल्प कर सकता है, वो ये है कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहो। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, मतलब जो जहाँ पे ब्लड लिया जाता है वहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो लेते हैं उनका ब्लड नहीं लिया जाता, लेकिन यू नो कुछ कहीं पे मेबी सम क्लिनिक और समथिंग, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर अपना रेगुलरली ब्लड देते रहते हैं तो ब्लड की थिकनिंग जो होती उतनी नहीं होती, तो मतलब ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ता। और जो लोग सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स नहीं लेते, उनके लिए एक सबसे सिंपल टिप वो ये है कि कभी भी किसी चीज़ को इनफिनाइट टाइम के लिए नहीं लेना चाहिए। लाइक एक जनरल रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए कि जितने टाइम आप ऑन होते हो तो टाइम ऑफ भी हो, जैसे सिंपल क्रिएटिन सप्लीमेंट, राइट? रिसर्च इसके ऊपर है कि आप इसको पूरे साल ले सकते हो, लेकिन स्टिल डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर जो कि दैट इज नॉट योर फूड आइटम हमेशा नहीं रहना चाहिए। तो 3 months on 3 months off, तो दैट इज माई फर्स्ट स्टेप कि नेवर बी ऑन एनी सप्लीमेंट, नो मैटर आपको क्या बोलते हैं कि आपसे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पूरे साल उसको मत लीजिए। अब जो मेरा सेकेंड टिप है वो ये है कि हम लोगों को अपने जो फुल बॉडी टेस्ट हैं वो 6 months में कम से कम एक बार ही ज़रूर करा लेने चाहिए, एक्सेशली जब आप हाई प्रोटीन डाइट्स पे होते हैं या किसी डाइट पे होते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। वाई? काफ़ी बारी आपका जो लिवर है या आपकी किडनी है, आप जो छोटे छोटे सिम्टम्स आपको देता है कि वो मॉल फंक्शन कर रहे हैं, आप नहीं जज कर पाते कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो कई बार हम मिस कर जाते हैं, लाइफ स्टाइल इतना बिजी होता है, हमें लगता है कुछ ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन अंडरलाइन डैमेज बहुत हो रही होती है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप उनमें से एक हैं जो रेगुलरली सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो गेट योर ब्लड वर्क डन, गेट योर फुल बॉडी टेस्ट डन। आप लाल पैथ लैब्स के पास जाइए या फिर और भी काफ़ी सारे लैब्स हैं जो कि इसको सस्ता 1,000-1,200 रुपये में मेरे ख्याल से टेस्ट होता है, फुल बॉडी टेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है, आपको अपने सारे जो वाइटल पैरामीटर्स हैं उनका आइडिया लग जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर कुछ हो रही है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर हल्की कहीं होता है ना, वेरिएबल हल्का ऊपर नीचे होता है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल में या अपनी डाइट में, अपनी सप्लीमेंट रजीम में वो मॉडिफिकेशन करते हैं और प्रॉब्लम कभी भी बड़ी नहीं हो। हाई बीपी जो है, ये इसे साइलेंट किलर बोला जाता है, अगर क्योंकि ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन में जाता है, तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हर पार्ट को इफेक्ट करेगा। तो एक सिंपल तरीका क्या है, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी नींद काट के प्री वर्कआउट्स लेके वर्कआउट करते हैं,
तो इट्स टाइम टू चेंज दिस थिंग। गाइस देखिए क्या होता है, जब भी आप बहुत हैवी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनमें बहुत स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो आपको स्टिमुलेट तो एक बारी कर देता है और आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन अगर ये जो सारी एक्टिविटी है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। इन्फ्लेमेशन मान लीजिए सिंपल शब्दों में, अगर आपके हाथ के ऊपर कुछ थोड़ा लाल लाल होता है बाहर से, जो एलर्जी हो जाती है बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ हो जाती है। इन्फ्लेमेशन अगर मैनेज नहीं हुई वो कैसे होगी, सिर्फ रिकवरी से होगी, मतलब अगर अच्छा सोते हैं तो इन्फ्लेमेशन मैनेज होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो आपको क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर ज़रूर करें अगर आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कभी ऑप्शन मिले कि एक घंटा कम सो के वर्कआउट कर लूँ उसको कभी मत चूज़ कीजिएगा। ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट, 7 to 8 बहुत अच्छा रहेगा। हाँ उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता वर्कआउट करने का कीजिए, लेकिन स्लीप इज मच बेटर देन वर्कआउट, वर्कआउट को स्लीप के ऊपर मत रखिए, ये एक हेल्थ हजार्ड। अब जरा चौथा टिप है वो सप्लीमेंट्स को लेके, हर्बल सप्लीमेंट्स या हर्बल चीज़ बोल के हमें कुछ भी बेच दिया जाता है। जस्ट बिकॉज समथिंग इज हर्बल डजंट मीन कि उसमें सब चीज़ें सही हैं। जब भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं सबसे पहले ढंग की जगह से लीजिए, गेट फ्रॉम लाइक गुड स्टोर्स, गुड क्वालिटी स्टोर्स। ऐसे नहीं किसने कोई सप्लीमेंट दे दिया, आपने कहीं पे ऐड देखी, कहीं पे कोई नीम हकीम है उसकी कुछ भी दवाई ले ली, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रिसोर्सेज डालूंगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसमें जिन्होंने आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं दे सकते आपको, तो उस चीज़ के लिए ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन द पॉइंट बीइंग सप्लीमेंट ढंग की जगह से लीजिए, हर्बल सप्लीमेंट्स लेके कुछ मत लीजिए। और आप में से जो लोग जिनको रेगुलरली सरदर्द होती है, राइट, तो सरदर्द के लिए आप मेडिकेशन खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, बड़े सारे लाइफ लोगों की लाइफ में पेन किलर्स या इस टाइप के सप्लीमेंट जो हैं वो रेगुलर लेना हो जाता है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी किडनी के ऊपर बहुत गंदा असर डालती हैं। तो मेक श्योर एक तो हर्बल सप्लीमेंट्स वहाँ पर कुछ मत लीजिए, और जो आपका ओवरऑल मेडिसिन इनटेक है वो कम हो, क्योंकि हर चीज़ जो आपकी बॉडी में जाती है आपकी किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा उसका असर पड़ता है, क्योंकि उसको फिल्टर आउट करना होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी बॉडी से दूर रखेंगे तो आपकी किडनी बहुत हेल्दी रहेगी। किडनी हेल्दी तो ऑब्वियसली गाइस पूरी बॉडी हेल्दी होगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन एजेंट तो वही है हमारी बॉडी का। अब मेरा लास्ट टिप ये है सप्लीमेंट्स को लेके कि मल्टीवाइटमिन मत लो। पता क्यों? मल्टीवाइटमिन जब लेते हैं तो मनी मन हमें लगता है कि अब हमेशा उतने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आई होप मल्टीवाइटमिन जो काम कहता है वो करता भी होता, कभी ऐसा नहीं होता। इतनी सारी स्टडीज़ हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि मल्टीवाइटमिन सारा पिस कर देते हो, राइट। तो दिन में कम से कम एक पूरा मील जिसमें फ्रूट्स हों, वेजीज हों, नट्स हों, सीड्स हों, ये खाने बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम एक, अगर दो तो बिल्कुल ऑप्टिमल है गाइस, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या हमारी बॉडी की कोई भी डिजीज की प्रॉब्लम जिसको लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट से हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये डाइटरी है। क्योंकि हर चीज़ जब आपकी बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, ये इन्फ्लेमेशन इकट्ठी होकर सब डिजीज प्रोड्यूस करती है। अगर हम इस इन्फ्लेमेशन को ही हम यहीं पे मार दें, उसके मारने का तरीका क्या होता है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स लें, सप्लीमेंट्स वाले नहीं, जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो गाइस ये 4-5 टिप्स हैं, 5 टिप टू बी प्रिसाइज। आई होप कि ये सब लोग फॉलो करें, क्योंकि इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है जो कि नहीं फॉलो हो सकता। तो दिस विल एक्चुअली इंश्योर कि आप लोग हेल्दी रहें। तो गाइज अगेन स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो हमेशा एक नए सप्लीमेंट की या नए मेडिसिन की तलाश में रहते हैं कि व्हाट गेट्स देम जैक्ड ओवरनाइट। लेकिन जो भी चीज़ आप प्रॉमिस करता है आपको, कोई भी इंसान प्रॉमिस करता है कि कुछ भी चीज़ ओवरनाइट हो जाएगी, आपकी बॉडी ऐसे काम नहीं करती, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। प्लीज थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू फाउंड वैल्यू इन इट। अगर आपको ठीक लगा होगा डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।